Hello dear students, welcome to the online classes conducted by Upper Senior Secondary School. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लास प्लस वन का यूनिट फोर जो है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें से हम टॉपिक ले रहे हैं वर्क. आज हम वर्क के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. ओके, सो वर्क बेसिकली होता क्या है? जैसे हम कह देंगे कि मैंने एक गिलास पानी लेकर आई, तो मैंने क्या किया, एक काम किया. आप होमवर्क कर रहे हो घर पर बैठे, आप क्या कहोगे, मैं काम कर रहा हूँ. बट हमारी फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है वर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. हम इस तरह से वर्क काउंट नहीं करते. हम फिज़िक्स में वर्क को कैसे काउंट करते हैं? सपोज करो एक बॉडी है यहाँ पर पड़ी हुई है जिसका मास एम है. इस डायरेक्शन में कोई उसे खींच रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में. जैसे सपोज करो ये बॉडी इसको थ्रेड के साथ बांधा है और कोई उसे आगे को पुल कर रहा है, ठीक है, धकेल रहा है. तो वो बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव की, यानी कितना डिस्टेंस मूव कर गई, एस डिस्टेंस मूव कर गई. तो हमारी फिजिक्स में इसे बोलते हैं वर्क, कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहा है और वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, दैट मीन्स वर्क हैज़ टू बी डन बाय दिस बॉडी, ठीक है. सो इसलिए फिजिक्स में हमारे क्या डेफिनेशन दी जाती है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है. वर्क तभी माना जाएगा जब एक बॉडी पर फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वजह से बॉडी आगे मूव करेगी, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसे हम वर्क डन बोलते हैं. सो W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, मीन्स क्या फार्मूला आ जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वेक्टर को अगर ओपन करें मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा. कॉस थीटा इसलिए लिया क्योंकि ये देखो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो क्या बना रहा है, कोई ना कोई एंगल बना रहा है. और हम हमेशा फोर्स का वही कंपोनेंट लेते हैं जिस तरफ एंगल जो है, जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मूव हो रही है. जैसे फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर मूव हो रही है, तो फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो किसकी तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट की तरफ. तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ एंगल बन रहा है थीटा इस तरफ, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं कॉस, सो डैट इज़ वाई हमने यहाँ पर ले लिया कॉस थीटा. वेक्टर फॉर्म को जब ओपन किया तो हमारा आ गया एफ एस कॉस थीटा. सो इसे हम स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं वर्क को. आपको याद हो तो हमने वेक्टर वाली क्लास में किया था वर्क की एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है, डैट मीन्स कि दो ऐसे वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, मैग्नीट्यूड भी, दो ऐसे वेक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, हमारा स्केलर प्रोडक्ट. सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट, ठीक है. अब बात करते हैं यूनिट्स की. दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स, एक होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है. एब्सोल्यूट यूनिट्स में कौन सा आ जाता है? सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट में आ जाते हैं हमारे जाउल. फर्स्ट है जाउल. सो वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं, मीटर. सो न्यूटन मीटर इसके यूनिट आ गए और न्यूटन मीटर को हम लिख देते हैं जाउल. सो डेफिनेशन बन जाती है वर्क इज सेट टू बी वन जाउल का वर्क कब होगा, जब व्हेन ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू वन मीटर डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. जब एक न्यूटन की फोर्स लगेगी बॉडी पर और एक मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. दूसरा जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो है अर्ज, जिसे वन अर्ज भी बोलते हैं. दैट मीन्स वर्क इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा. सो फोर्स है सपोज करो डाइन, हमारे सी जी एस में यूनिट होते हैं डाइन. सो वन डाइन मल्टीप्लाई बाई, अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी सेंटीमीटर, एंगल जो है सी ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ज़ीरो डिग्री. तो वन डाइन इंटू वन सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर किसको कन्वर्ट कर देते हैं, अर्ज में कन्वर्ट हो जाता है. सो इस में डेफिनेशन क्या आएगी,
Work is said to be one urge when a force of one dyne moves a body through 1 centimeter distance in direction of applied force. जब एक dyne की force लगेगी और 1 centimeter distance move होगा उसी direction में जिस direction में force लग रही है, तो हम उस body की जो work done है उसे calculate करेंगे अर्ज. यानी आप मान लो जाऊल एसआई सिस्टम का हो गया और अर्ज किसका हो गया, सीजीएस सिस्टम का. क्लियर है? अब हम नेक्स्ट करेंगे जो जाऊल और अर्ज किया है, जैसे अर्ग बोलते हैं, वन जाऊल और वन अर्ज में कहते क्या रिलेशन है, तो हम इनके बीच रिलेशन करेंगे. ये देखिए, जैसे वन जाऊल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन जाऊल होगा हमारा वन न्यूटन इंटू वन मीटर के, ठीक है. और कॉस थीटा की जगह हम क्या लेते हैं, 0 degree, क्योंकि सेम ट्रैक्शन में हो रही है डिस्प्लेसमेंट भी और फोर्स भी. तो वन जाउल इक्वल्स टू, अब वन न्यूटन जो है, एक न्यूटन में 10^5 डाइन होते हैं और एक मीटर में 10^2 यानी 100 centimeter, एक मीटर में 100 centimeter होता है, तो उसे 10^2 centimeter और cos 0 की वैल्यू 1. तो 1 जाउल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 5 + 2 = 7 डाइन सेंटीमीटर. और अभी हमने पीछे किया जे डाइन और सेंटीमीटर किसके इक्वल है, अर्ज के. सो डैट इज हमारा 1 जाउल किसके इक्वल आ गया, 10^7 अर्ज के, ठीक है. उसी तरह से दूसरे हमने कहे थे, एक एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं, दूसरे होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स. ग्रेविटेशनल यूनिट्स में क्या है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट आ जाता है किलोग्राम मीटर, ठीक है. और ये किलोग्राम मीटर हम कैसे है होते हैं, ये एम के एस सिस्टम, किलोग्राम एम जो है एम के एस सिस्टम में से लिया गया है, ठीक है. कैसे करेंगे, जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है. तो ये हमने वर्क डन किसके इक्वल लिखना है, किलोग्राम मीटर के इक्वल. कैसे, यहाँ पर जो फोर्स आएगी एम के सिस्टम में वो आएगी 1 kgf, जिसे 1 kg फोर्स बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 1 meter और अगेन जो कॉस जो थीटा है वो 0 degree आएगा हमारा, ठीक है. 1 kgf जो होता है एसआई सिस्टम में वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, ये याद रखना. अगेन आगे इनटू 1 meter, कॉस 0 की वैल्यू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो 9.8 इनटू जो न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर जो है इसके यूनिट्स थे जाउल के, तो न्यूटन मीटर की जगह लिख सकते हैं जाउल, ठीक है. सो दैट मीन्स आपकी किलोग्राम मीटर जो है यूनिट वो किसके इक्वल आ गई, 9.8 जाउल के इक्वल आ गई. सिमिलरली जो इसका बी पार्ट है ग्रेविटेशनल के अंडर है, वो सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर होगा. वो कैसे, अगेन वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है. वर्क डन क्या है, ग्राम सेंटीमीटर लेके आना है, तो इसमें फोर्स क्या होगी आपकी, 1 gf यानी कि 1 gram फोर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर की जगह 1 centimeter और अगेन कॉस 0 degree. तो ग्राम सेंटीमीटर और 1 gf जो है हमारे सीजीएस में 989 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय अगेन 1 centimeter, कॉस 0 की वैल्यू 1 और ग्राम सेंटीमीटर इक्वल्स टू आ जाएगा 980 और डाइन सेंटीमीटर किसका था, अर्ज का, तो 980 अर्ज. हमारा जो किलोग्राम मीटर है वो आया है 9.8 जूल, ग्राम सेंटीमीटर आया है 980 अर्ज. क्लियर है यहाँ तक? अब बात कर लेते हैं वर्क की डायमेंशन की. तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है, m1 l2 t-2, ठीक है. ये आपने फर्स्ट यूनिट में फिजिकल वर्ड में यूनिट एंड डायमेंशंस में किया होगा. तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है, m1 l2 t-2. अब बात करते हैं वर्क की नेचर की, ठीक है. वर्क की भी टाइप्स होती हैं, नेचर की टाइप्स हैं. वो कैसे, पॉजिटिव वर्क डन भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो वर्क डन भी होता है. अब बच्चे पूछेंगे कि मैम वो कैसे, सो बड़ा ही आसान है. हमेशा 3 बातें जो है बड़ी सिंपल सी याद रखनी है. हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला क्या आ रहा है हमारा वर्क डन का,
डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, यानी कि ये जो एंगल है ना इसी पर डिपेंड करती है नेचर, कि जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो क्या है उसी पर मैटर करेगा कि वर्क की नेचर कैसी है। अगर तो एंगल आपका 0 डिग्री है, ठीक है, या फिर कह सकते हो 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, तो जो हमारा वर्क डन है हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। वो कैसे, ये देखो, अगर फोर्स भी इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो एंगल कितना है 0 डिग्री, तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू एफ एस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ एस मीन्स पॉजिटिव वर्क डन। और अगर कहते आपका एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री है या फिर 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपका हमेशा वर्क डन आएगा नेगेटिव में। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो फोर्स लग रही है इधर लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है पीछे की तरफ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको पता है अगर इस तरह से फोर्स लग रही हो तो एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का। सो डैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा कॉस एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1, सो वर्क डन क्या आ जाएगा, -FS, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी तीसरी नेचर है वो है ज़ीरो वर्क डन। ज़ीरो वर्क डन कैसे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या होगा 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, वो कैसे, सपोज करो ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, सपोज कर लो 10 kg का मास है वहाँ, ठीक है, और हमने क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कहा गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसके ऊपर एक्ट क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन एन जे हमने किया था थर्ड यूनिट में, ठीक है, सो लॉज ऑफ मोशन में किया था। तो डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी, कहते फोर्स लग रही है इस तरफ 50 N की फोर्स लग रही है, और यहाँ पर वो बॉडी मूव करके चली गई 5 meter डिस्टेंस, लेकिन हमें उन्होंने कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से निकालो वर्क डन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यही आ रही है, नीचे ही आ रही है, डैट मीन्स क्या होगी, यहाँ पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स वेट कितना है 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाई जी, सो फोर्स आ जाएगी 10 multiply g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 5, और कॉज थीटा, थीटा आप देखो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर हो गए, और हमें पता है कॉज 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 को सारे को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वर्क डन 0। सो इस तरह से वर्क डन की नेचर 0 भी हो सकती है। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं वर्क डन के रिलेटेड। आपको कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो कहेंगे कि वर्क डन फाइंड करो बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मास 10 kg व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय 5 meter। एक 10 kg का मास है, उसके ऊपर 50 N की फोर्स लग रही है, 5 meter उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो चलिए मैं पेंडे जहाँ पर क्या करती हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वो हमने थर्ड यूनिट में लॉज ऑफ मोशन में की हुई है फ्रिक्शनल, तो डैट मीन्स आपको फ्रिक्शन लिमिट का पता होना चाहिए। तो मैं शॉर्टकट में यहाँ सबसे पहले समझा देती हूँ। देखिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो इस बॉडी और सरफेस के बीच होगी, तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा फार्मूला यूज़ करते थे कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर निकालनी हो तो एफ लिमिटिंग फार्मूला लगाते थे, मीन्स म्यू इंटू एन, म्यू होता था कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन और एन होता था नॉर्मल रिएक्शन। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, कह रहे हैं कि 10 kg की जो है हमारी बॉडी है उस पर 50 N की फोर्स लग रही है, यहाँ तक चली गई 5 meter उसने डिस्टेंस कवर किया। अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले हम कर लेते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर लग रही है,
क्या फॉर्मूला है एफ इन टू एस, ठीक है, तो फोर्स कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 5, तो कितना आ गया 250। तो वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जाउल्स। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया 250 जाउल्स। अब हमने वर्क डन निकालनी है बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो भी एफ एस आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन है हमेशा क्या करती है, अगर कोई बॉडी आगे मूव कर रही है फ्रिक्शन उसे पीछे खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम उसको नेगेटिव केस में कंसीडर करते हैं। अब देखो, सो एफ लिमिटिंग यानी कि यहाँ पर जो फोर्स है वो एफ लिमिटिंग होगी। एफ लिमिटिंग का मैंने फार्मूला बताया म्यू इंटू एन, और कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमेशा याद रखना। सपोज कर लो, चलो यहाँ पर आपको कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दी है 0.1, वो आपको दी होगी, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। इस 10 kg का नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, इसके नीचे क्या होगी हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जो होगी एम जी, मास कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय जी, हमने लॉज ऑफ मोशन में किया हुआ है ये। सो 0.1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लिख देते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आया 10 इंटू जी, 1/10 डेसिमल को ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू भी हम 10 लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल। सो एफ लिमिटिंग आ गई हमारे पास 10 न्यूटन। अब इस वैल्यू को यहाँ पर फिल कर दो, कितनी आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा -50 जॉ, ठीक है। तो ये हमने निकाल दी फ्रिक्शनल वर्क डन, ठीक है। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, इस तरह से हम बाकी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको एक फोर्स दी होगी अब कंपोनेंट्स में 2y cap + 3j cap - 4k cap, ये एक्ट कर रही है एक बॉडी पर और वो बॉडी डिस्प्लेस की इन पॉइंट से इन पॉइंट तक, मीन्स आपको दो पोजीशन वेक्टर दे रही है r1 और r2। तो हमने वर्क डन फाइंड करना है, कैसे करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर यानी एफ डॉट आर वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह अब क्या आ गया पोजीशन वेक्टर। आर वन की वैल्यू लिख दो 2y cap + 1j cap + 0k cap, और आर टू की वैल्यू आ जाएगी 3i cap + 4j cap + 2k cap, आ गई। अब पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कैसे निकालोगे, आर टू में से आर वन माइनस कर दो, 3 में से 2 गए 1i cap, 4 में से 1 गए 3j cap, और 2 में से 0 गए 2k cap। अब ये आ गया r वेक्टर, और ऊपर क्या फार्मूला लिखा हमने w = f.r, यानी जो आपको ये फोर्स कंपोनेंट दिया है इसको अब इस r वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, और i.i हमने पढ़ा हुआ है 1, फिर प्लस 3 3 ज़ा 9, j.j भी 1, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, और k.k भी 1। सो हमारे आंसर आ जाएगा w = 2 + 9 - 8, मीन्स वर्क डन कितना आ गया हमारे पास 3 जॉब्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर द असाइनमेंट फॉर होमवर्क। तो आई होप आपने लेक्चर अच्छी तरह से देखा होगा, और ये हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं जो आपने एज असाइनमेंट एज अ होमवर्क अपनी नोटबुक में मेंटेन करने हैं। होमवर्क देने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने फार्मूला किया है w = fs cos थीटा, हमेशा याद रखना ये फार्मूला तभी वैलिड है अगर इसमें जो फोर्स है, जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कुछ केसेस में फोर्स वेरिएबल भी होती है, सो डैट इज़ वाई उसके लिए कुछ अलग फार्मूला है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो w = fs cos थीटा तब भी वैलिड है उन केसेस में जहाँ पर फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है। तो होमवर्क है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, वर्क का क्या मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। सेकेंड है आपने उसके SI यूनिट्स बताने हैं, कैसे उनको डिराइव किया गया है। थर्ड बताना है व्हेन विल बी द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव,
ठीक है, कोई अपने से खुद से भी एग्जांपल ले सकते हो, कब वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। फोर्थ, हमने फॉर्मूला बताना है वर्क का, जब फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल दिया है, जो मैंने अभी लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसके जैसा ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसे भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।